हजारीबाग सहित झारखंड के शहरी क्षेत्रों में सफाई कर्मियों की हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 18 दिनों से जारी इस हड़ताल में सफाई कर्मियों ने 6 प्रमुख मांगे उठाई हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने हड़ताल के मुद्दे पर सकारात्मक पहल करते हुए एक विशेष बैठक की, जिसमें उन्होंने झारखंड राज्य लोकल बॉडीज एम्प्लाइज फेडरेशन और कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की। सांसद ने समस्याओं को लेकर नगर विकास मंत्री और सचिव से बात की और सफाई कर्मियों से अपील की कि वे काम पर वापस लौटें। बैठक में कर्मियों ने अपनी मांगों में सेवा नियमितीकरण, 100% वेतन आवंटन, सेवानिवृत्ति लाभ और जीवन बीमा जैसे मुद्दे शामिल किए हैं। सांसद ने उनकी मांगों का समर्थन किया, जिससे सकारात्मक समाधान की उम्मीद बनी है। कल मिल करके इनसे बात की, आज हम लोग बैठ करके कुछ बात करें कि कैसे खत्म हो सकते हैं। इनका एक डिमांड है, कुछ डिमांड इन्होंने दिया है, कुछ डिमांड बहुत जेन्युइन है और बहुत सरकार को कंसिडर करने जैसा भी है। जैसे इस नगर निगम में 493 पद है, 98 के करीब में और 90 से 100 के बीच में परमानेंट कर, बाकी जो लोग निविदा पर हैं उनको तो परमानेंट करना चाहिए। ये इनका जेन्युइन डिमांड है। जो आज इनका बीमा होना चाहिए, चूंकि ये जिस काम को करते हैं उसमें रिस्क है, उसमें हजार्ड है, तो उनका बीमा होना चाहिए। सब जेन्युइन डिमांड है सरकार को, उनके डिमांड को कंसिडर करते हुए और जो वातावरण अभी हो गया है सब लोगों को उसका इसमें दिक्कत हो रही है, तुरंत अविलंब इसको करना चाहिए। सेक्रेटरी से भी बात करें, इनका टाइम भी करवाया है, बात करते इसको संभवतः जो है खत्म करें। और इन सभी लोगों से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आपके विषय को हम लोग भी आगे पिकअप करेंगे, इसको समाप्त करते हुए जो है पब्लिक को राहत देने का काम करेंगे। राज्य व्यापी हड़ताल 23/8/2024 से पूरे राज्य में है। 6 सूत्री मांगों को लेकर वो आज 6 सूत्री मांग का जो पत्र था आज हम लोगों ने अपने हजारीबाग सांसद को दिए और उन्हें आश्वासन भी दिए और मंत्री से भी बात की और सेक्रेटरी से भी बात की कि आप लोग टाइम ले लीजिए और डायरेक्ट आप लोग जाकर बात कीजिए। तो ये सांसद महोदय को, कर्मचारी को और से तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि इस पर वो तुरंत कार्रवाई की। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम राम, नगर निगम।